हेलो माय ब्यूटीज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैट फॉर ममता। एंड इफ यू आर वॉचिंग फॉर फर्स्ट टाइम, आई एम ममता एंड आई एम अपलोडिंग अ वीडियो फॉर लाइफस्टाइल व्लॉग्स, फैशन, स्किन केयर एंड लॉट्स मोर। सो गाइस, दिस वीडियो इज ऑल अबाउट माय इयररिंग कलेक्शन। देखो, जो भी मेरे पास इयररिंग का कलेक्शन है वो मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। जो मेरे पास ये इयररिंग्स मैं दिखाऊंगी, ये सारी मैंने लोकली मतलब ऑफलाइन मार्केट से खरीदी है। बट मुझे सिमिलर जैसे मेरे इयररिंग्स मैं आपको दिखाऊंगी, अगर आपको वो चीज़ें अच्छी लगती हैं और मुझे अगर उन सबके मतलब लिंक्स वगैरह मिल जाते, सो आई विल गिव अ लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहाँ से आप उस सारी इयररिंग्स को बाय कर सकते हो जो जो मुझे मिल जाएंगे ऑब्वियसली। सो चलो बिना किसी देरी के लेट्स चेक आउट। So guys, my first earring, it is like this. I hope you can see. Okay, so ये like ऐसे बंद होती है, ऐसे वाली नहीं जैसे फसा के पहन लेते हैं, ऐसा नहीं है। बट इसको ऐसे उनको बंद करना पड़ता है, तो ऐसा रहता है ना कि ये हमारे कान में टिकी रहती है, ये डर नहीं रहता कि हाँ गिर गए गिरी, ऐसा कुछ नहीं होता है। 50 to 60 रुपीज़ का होगा। और ये लाइक ये मुझे बोला इसका ये जो चीज़ होती है ना कि ऐसे इसको ये ऐसे हुकअप करके बंद होती है, हुकअप ऐसे जो देख रहे हो आप, इसका ये होल है और ऐसे करके ये हुकअप होकर बंद होती है। तो ऐसी इयरिंग्स जो होती हैं लाइक ऐसी वाली जो इयरिंग्स होती हैं, ये कुर्ती सूट वगैरह साड़ी पर बहुत सही लगती है। इसको मैंने पहना भी है, तो अगर आपको देखना है तो मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर विजिट करूँ, वहाँ पर मैंने एक अपनी साड़ी की फोटो डाली है, उसमें मैंने यही वाली इयरिंग्स पहनी क्योंकि वो बिल्कुल इससे मैच हो रही है, अच्छी लगती है। Waste another day, eyes on my display. You say we need a change and I feel that you mean it. You mean it. My second earring, it is like this. ये छोटे छोटे से स्टड हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जो बहुत सही लगते हैं लाइक पहनने पे टॉप्स एंड ट्यूनिक पे। तो ये भी अराउंड लाइक 40 to 50 रुपीज के थे। सो इट लुक लाइक दैट, आई होप यू कैन सी। मैं इसको अभी पहन के दिखाऊंगी तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये कैसा दिखता है। अगर मुझे ऐसे स्टड्स मिलते हैं मतलब अमेजोन या फ्लिपकार्ट वगैरह पे, तो मैं इसका लिंक दे दूँगी, तो एक बार चेकआउट कर लेना, तो शायद आपको अच्छे लग जाओ, आप ले भी लो इसको। थर्ड इयरिंग, इट इज लाइक दिस। ये मेरी थोड़ी सी ज़्यादा फेवरेट है क्योंकि मैंने इसको काफ़ी बार पहना है, और जो मुझे पहले से जानते हैं लाइक इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो उनको पता होगा मैंने इसको बहुत भारी पहना है, मतलब कुर्ती पे पहना है, सूट पे पहना है, हाँ मैंने इन दोनों पे पहना है। और ये बहुत सही लगती है वाइबर, मतलब सिल्वर टाइप का फिनिशिंग है और छोटे छोटे के बीड्स लगे हैं, तो ये बहुत कूल लगता है। इसको बहुत बारी पहना तो सोचा आज इस पर नहीं पहनते हैं, कुछ न्यू ट्राई करते हैं। तो ये मेरे हाँ फेवरेट है, थोड़ी बहुत तो फेवरेट है। सो गाइस, आपने इसको मतलब ऐसे इयररिंग्स को लाइक फ्लिपकार्ट वगैरह पे देखा ही होगा, तो अगर मुझे ऐसे कुछ सिमिलर या ऐसे मिल जाते हैं तो मैं इसका लिंक दे दूँगी, एक बार देख लेना। क्योंकि जैसे आप मैक्सी ड्रेस पहन रहे हो, उसके ऊपर आप लाइक जैकेट डाल रहे हो डेनिम वाली, और उसको इसको पहन रहे हो, तो बहुत बहुत ज़्यादा बहुत सही लगेगा। आई होप यू कैन सी गाइस, In front of us. So can we just guys, next earring, it is like this. मतलब ये थोड़ा सा पत्ती के शेप में है और इसमें एक बीड्स वगैरह लगा है। इसको मैंने ज्यादा पहना भी नहीं है, पहना होगा तब से ऐसे ही रखा, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है वाइबर। जीन्स वगैरह पे पहन लो और मैक्सी ड्रेस वगैरह पे पहन लो, ये बहुत सही लगते हैं। सो अभी मैं इसको पहन के दिखाऊंगी तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कैसा लगता है। तो ऐसी ऐसे पत्ते की कलेक्शन में लाइक ऐसे डिज़ाइन में, जो ऐसे ऐसे नहीं डिज़ाइन बनी है, इसी में पर एक और है वो मैं आपको दिखाती हूँ लाइक दिस। दोनों ऑर्डर मेरे को पड़े थे आएगा 50 to 60 रुपीज़ में, और दोनों बहुत सही है, बहुत दिन तक ये चल गए। इसको सोचो मैंने 5 से 6 साल हो गए, इसको बिल्कुल भी कोई भी लाइक होता नहीं जंग लग जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है।
ये दोनों जैसे दबाएगा और जैसे लगते हैं ये बिल्कुल भी सेम है, इसमें कुछ भी खराबी नहीं हुई है। और ऐसे वाले जो इयररिंग्स होते हैं ना, ये बहुत दिन तक सही चलते हैं, मतलब बहुत दिन तक आप इसको यूज़ कर सकते हो। ऐसे नहीं होता कि कुछ ऐसे इयररिंग्स में एकदम जंग लग जाती है यहाँ पे वहाँ पे, तो ऐसा इस सब में तो कुछ नहीं होता। क्योंकि सो मुझे अगर ऐसा कुछ मिलता है, आपको पता है मैं लिंक दे दूँगी, आप देख लेना। नेक्स्ट इयरिंग मेरी ये टेसल्स इयरिंग्स हैं। आई होप आप लोगों ने ऐसी इयरिंग्स लाइक बहुत जगह देखी होगी, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। ये बहुत से कलर्स में अवेलेबल है मार्केट में और ये ऑनलाइन बहुत इजीली मिल जाती है, ऐसा कुछ वो नहीं कि आपको बहुत ढूंढना पड़ेगा। सो मुझे मिल जाएगी तो मैं तो दे ही दूँगी। इसमें लाइक बहुत से कलर्स आते हैं, जैसे नहीं होता ब्लू, रेड, येल्लो, पिंक, ये सारी चीज़ें कलर्स में आते हैं, बट मुझे ब्लैक अच्छा लगे क्योंकि ब्लैक जो होता है ना, सबको पता है, सब पे चल जाता है, जीन्स वगैरह पे, टॉप्स पे, ट्यूनिक पे बहुत सही लगता है अगर आप पहनते हो तो। तो मैं अभी इसको पहन के दिखाऊंगी तो आप सबको मतलब कि थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि कैसा दिखता है पहनने पे। और हाँ, ये सारे अंडर 100 रुपीज़ हैं, लाइक आपको बहुत ईजिली मिल जाएंगे 100 रुपीज़ के अंदर। और ये ऑनलाइन भी इतने का ही मिलेगा, कुछ पता लाइक कॉस्टली नहीं मिलेगा, आप चिंता मत करो। नेक्स्ट जो मेरी है वो लाइक ये है, आई होप यू कैन सी। जैसे आप पहनोगे तो बहुत सही लगेगा पहनने पे। और हाँ, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्यूट लगते हैं, मतलब तो मैंने अपने वीडियोस में पहना है और लाइक बहुत अच्छे लगते हैं मुझे सच में। जो मतलब मैंने पहली बार देखा तो मैं उसको ले लिया, क्योंकि लाइक अब मैंने अभी बड़े बड़े से इयररिंग्स दिखाए हैं, आप रोज़ तो पहनोगे नहीं ना, तो ये लाइक डेली व्यूअर्स के लिए बहुत सही है, लाइक मम्मी वगैरह भी इसको वियर कर सकती हैं। Buying things online and it's not like we need them. Next भी मेरे ये, so आपने इसको देखा ही होगा क्योंकि ये जो ये कुछ नया सा आया था, like इसका ये था कि ये जो है ये छोटा वाला ये आगे लगेगा और जो बड़ा वाला है, तो मैं भी कंफ्यूज हो गई थी यार इसको कैसे पहनेंगे। मुझे लगा शायद बड़ा वाला आगे पहनेंगे, इसको पीछे पहनेंगे, पहन सकते हो कोई वो नहीं, मैंने पहना है, मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किया है। मेरे बहुत अच्छे लगते हैं ना टॉप टीस पे, बहुत सही लगेंगे पहनोगे तो आपका। और ये इसके मेरे पास दो शेड हैं, एक तो मेरे पास ये सिल्वर वाला है, सी सिल्वर वाला, और एक है ये ग्रे कलर का, जो कि मुझे बहुत पसंद है, इसको मैं बहुत पहनती भी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जॉगर्स पहन रहे हो, ऊपर से टीस डाल रहे हो, उस पर से ये स्टर्ट डालो तो भारी भी नहीं लगेंगे, बहुत अच्छे लगे। तो जब इसका ट्रेंड चला था तभी मैंने इसको बाय किया था, तो ये थोड़ा सा उस टाइम महंगा था, लाइक 30 या 40 रुपीज़ का एक पड़ा था, बट अब ये बहुत सस्ते मिलते हैं। जो मैंने पहनी हुई है, मतलब लास्ट तो नहीं कह सकते क्योंकि मेरे पास और भी इयररिंग्स हैं जो मैं दिखाना चाहती हूँ आप लोग को, बट इस वीडियो में अगर मैं डालती तो बहुत लंबा हो जाता, तो मुझे लगता है कि हाँ आप लोग बोर हो जाते। सो मैं चाह रही हूँ अगर आपको ये जो वीडियो आप देख रहे हो मेरा इयररिंग कलेक्शन पार्ट 1, सो अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में और जो भी मेरे पास और भी जो इयररिंग्स है उसको मैं दिखाऊंगी। और जैसी इयररिंग्स हैं और जैसे कि अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है, तो जैसे मैं और अगर इयररिंग्स बाय करती हूँ तो उसको मैं अपने नेक्स्ट इयररिंग कलेक्शन हॉल में दिखाऊंगी। तो इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आने वाले वीडियो जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है आप सबके लिए, तो मैं नहीं चाहती कि आप सबसे कुछ भी मिस हो। तो चलो अब इसके बारे में बात करते हैं। सो ये लास्ट इयररिंग मेरी ये वाली है जो मैंने अभी करंटली पहनी हुई है। सो लाइक ये ऐसी है, लाइक वेस्टर्न टाइप की है। सो ये जो ऐसी इयररिंग्स है ये भी बहुत सस्ती थी, लाइक 50 to 60 रुपीज़ के अंदर आ गई थी। और लाइक ये जो है मतलब मैंने इसको कुर्ती पे पहना है, सो आप इसको वेस्टर्न ड्रेसेस पे पहन सकती हो, जो लाइक टी स्टॉप्स आते हैं उसमें अच्छी लगेगी।
like you can see. On the clock, now all we need is right here in front of us. In front of us. So guys, इसी के साथ मेरा ये earring collection haul end होता है. I hope आप सबको ये video अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो like ज़रूर कर देना and comment करके ज़रूर बताना कि आपको ये video कैसा लगा, ताकि मैं अपना next earring collection haul बना पाऊँ. And yeah guys, don't forget to subscribe my channel. उससे क्या होगा, उससे मुझे बहुत सी motivation मिलती है और videos बनाने के लिए. जरा मेरे videos को देखते रहिए and thanks for watching.